जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैफ़ली अरशद किंग। आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स विद किंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपलोड आपको मिल सके सबसे पहले। अब ऑल बेल आइकन को आप किस तरह प्रेस कर सकते हैं, जिस तरह आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे साथ ही आपको बेल का निशान दिखाया जाएगा, उस बेल को आपने क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक करना है, तो इस तरह आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा आपके पास। और मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूं। सबसे पहले तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आप सब लोगों को पता है मैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए ट्रिब्यूट सॉन्ग लेके आ रहा हूँ, तो उस पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए इन दिनों मैं अपने चैनल पर ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल ना करूँ और मैं मैनेज करके हर चीज़ को चल पाऊँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्टेप्स आगे ले गया है। जिस तरह इंडिया को इस वक्त दुनिया में प्रमोशन मिल रही है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रही है? इसका क्रेडिट जाता है हमारे सियासतदान को। इंडिया ने अपने मुल्क में जो भी किया लेकिन उसने एक रूल 24/7 ही फॉलो किया, वो ये रूल है कि उसने बाहर की हुकूमतों के साथ बहुत तगड़ी बना के रखी है, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी आई है, इंडिया में काफ़ी फैक्ट्रियां भी लगी हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि टेस्ला कंपनी भी इंडिया में लग चुकी है और ये छोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान में क्यों नहीं लगी? क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अभी तक पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया, तो पाकिस्तान को इस तरक्कियों पर कौन लेके जाता? बात आती है वज़ीर आज़म पर। जब वज़ीर आज़म ही अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कहाँ से लोग अच्छे सोच लेके पैदा? जब वज़ीर आज़म ही नहीं कुछ उनको बाहर के ममालिक को अपने मुल्क के बारे में बताएगा तो कौन इस दौर में इन्वेस्ट करना चाहेगा? हर बंदा अपने आप को शेर समझता है, क्योंकि बिज़नेस का एक असूल होता है दोस्ती। बिज़नेस जब करते हैं तो सब कुछ देखा जाता है, तो इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा इंडिया के मुकाबले में बिज़नेस के लिहाज से पीछे है। तो इंडिया की ये फॉर्मेट ये रही है, जहाँ पर आप सबको पता है कि इंडिया में इस वक्त बड़ी बड़ी सेलेब्रिटीज़ हैं, इंडिया में लोग आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो इंडिया उन सबको ये फैसिलिटीज़ दे रहा है। और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान इतनी तरक्कियों पर होगा कि हम सबको फ़ख्र होगा कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। आज भी हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिस मुकाम पे हमारे मुल्क को आना चाहिए था वो अभी तक आ नहीं है सका, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ आज़ाद हुई हैं। जी आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और इसी के साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपनी इस टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट सैफ़ली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए।